अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मीरान और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स एंड टेक इन्फॉर्मेशन चैनल, जिसमें मैं हम सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों को 8x4 साइज का पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। ये एक कलाश शॉप का पैनाफ्लेक्स है। तो काम स्टार्ट करने से पहले, अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन वो भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पर वक्त पहुँच रहे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने उर्दू में डिज़ाइन करना हो तो इन पेज आपने सबसे पहले ओपन कर लेना है। तो उसमें अपना जो मजमून हो, आपका जो मैटर हो, आपने उसमें राइट कर लेना है। तो इसमें तो इन पेज से आपने इस राइटिंग को कॉपी कर लेना है। तो इसके बाद आपने कोरल ड्रा में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पर, जहाँ पर 100x100 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5x5 कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ तक फाइनल। तो इसके बाद हमने बनाना है इसका बैकग्राउंड। ठीक है, 8x4 साइज का हमने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर 8x4 ये मैंने सेल इसका लगा लिया। इसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड बनाना है कोई अच्छा सा। तो इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड देता हूँ रेड कलर। तो रेड कलर के साथ मैं दो तीन कलर और मिक्स करूँगा, यहाँ पे सियान और काला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये यूनिफॉर्म फिल जो खुल गया। ठीक है, ऊपर सियान कलर लगाना है अपने 40% और नीचे काला कलर ब्लैक, इसको भी 40%। इसके साथ मैं ये वाला टूल लेता हूँ, यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर इसके साथ रेड कलर जो है वो मिक्स करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और ये वाला टूल लेता हूँ, यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपने, यहाँ पे इसको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पे दरमियान में आपको करना है 50 पॉइंट तक, यहाँ तक रेड कलर, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो प्लीज़ आपने यहाँ से खींचना है नीचे की तरफ, तो यहाँ तक हो गया फाइनल। ठीक है, ये होगी हमारी बैकग्राउंड। तो इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ पट्टीनुमा। तो मैंने इसको इफेक्ट करना है पावर क्लिक पर प्लेस, यहाँ पर इसके अंदर क्लिक कर लेना है आपने। तो इसके बाद यहाँ पर आना है। ठीक है, तो इसको आपने इसकी एक कॉपी लेना है। ठीक है, पकड़ना है इसको, ड्रैग करना है और राइट क्लिक करना है, तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो इसके बाद आपने कंट्रोल आर करता रहना है, तो इसकी खुद ब खुद कॉपी बनती रहेगी। यहाँ इस तरह से कॉपी खुद ब खुद ही कॉपी बन रही है। ठीक है दोस्तों, ये होगा यहाँ तक फाइनल। इसके बाद मैं इसको भी कलर दूँगा रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर देने के बाद मैं इसको ये वाला टूल लूँगा, तो यहाँ पर ड्रैग करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करना है और इसको ड्रैग कर लेना है। तो इसके बाद आपने यहाँ इसको, इसके मैं एक और कॉपी लूँगा, तो इसको यहाँ पे मैंने करना है मिरर बटन। ठीक है, यहाँ पे दबाएंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक फाइनल हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड तैयार। तो बाकी ये हमारा मजमून है, तो हम इसको इसके अंदर सेट करेंगे। सबसे पहले दुकान का नाम, जो शॉप का नेम है, वो हमने बड़ा करना है, खान जी ये वाला इसका शॉप। इसके बाद है ये कलाथन बुटीक सेंटर। तो यहाँ तक और यहाँ तक, तो इसको मैं दे देता हूँ ब्लू कलर, उसको दे देता हूँ मैं येलो कलर। तो ब्लू कलर को मैं यहाँ पे जो दिया है, इसको मैं दूंगा आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन पेन जो इसका शॉर्टकट की है वो F12। ठीक है, तो मैं इसको 10 पॉइंट की आउटलाइन दे देता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करके। ठीक है, इसके बाद मैं इसको दे देता हूँ 10 पॉइंट की ब्लैक कलर की आउटलाइन। ठीक है, ये होगा यहाँ तक, पहले इसको भी बेल्ट कर लिया उसके ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा ये यहाँ तक, तो इसके बाद मैं ये टूल लूँगा यहाँ पर यहाँ तक, ये थोड़ा सा हमारा इसको ये कैसे किया मैंने आपने, पहले इसको और लेंगे तो वाइट कलर की, तो ये वाला कलर लगाया। तो इसके बाद मैंने इसको यहाँ, इसको ऊपर यहाँ पर ये वाला टूल लिया इंटरनेट ब्लेंड टूल, और यहाँ पर लगा के यहाँ पर इसको ड्राई कर लिया, इस तरह होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं इसकी ये जो नीचे वाला है इसको डबल आउट दूंगा, मैं इसको सियान कलर की पॉइंट बढ़ाकर ये आउट ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, ये होगा यहाँ तक फाइनल। तो इसके बाद हमारे जो ये वाली लाइटिंग है, इसमें इसको सेट करना है, यहाँ से इसको ग्रुप कर लेता हूँ मैं दोनों लाइनों को यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो नीचे मैं बना लेता हूँ दो बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स और यहाँ पे बॉक्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये फाइनल। इसके बाद मैं देता हूँ इसको ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के साथ मैं ये जो है ना दो एक और कलर मिक्स करूँगा येलो कलर। ठीक है, तो आपने ये वाला टूल लेना है, यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ पे जाना है, ये वाला येलो क्लिक करना है। तो इसको देता हूँ आउटलाइन मैं 3 पॉइंट की ग्रीन कलर की। ठीक है, तो ये यहाँ तक। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट पे जाप कर लेना है, यहाँ पे एडजस्ट कर कंट्रोल शिफ्ट पे जाप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसको ग्रुप वेल कर लेना है, यहाँ से भी इसको वेल कर लेना है। इसको मैं देता हूँ आउटलाइन 5 पॉइंट की या 3
पॉइंट की दे सकते हैं, आप यहाँ पे पॉइंट बढ़ा सकते हैं, चार पॉइंट की दे देता हूँ मैं यहाँ तक। ठीक, इसको ब्लैक कलर लगा लिया, ठीक है ये ब्लैक कलर, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे स्याह कलर, ठीक है ये हो गया यहाँ तक पैनल। तो इसके बाद ये है प्रॉपर्टर, ये वाला नाम इसका सेट करना है, तो इसको भी मैं येलो वाइट कलर दे देता हूँ, और इसको पाँच चार पॉइंट की जो है ना वो आउटलाइन देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, इसको मैं येलो कलर, और येलो कलर के बाद मैं इसकी जो वाइट कलर जो है वो मिक्स कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये वाला टूल लिया यहाँ पे, इसको ड्रैग किया और छोड़ दिया, और इसके साथ ये येलो कलर जो है मिक्स होगा, येलो के साथ वाइट कलर। आप कोई और कलर लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे तो वाइट कलर अच्छा लग रहा है तो ये बेहतर है ये, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको डबल टूल लगाऊंगा सियान कलर की, इसके पॉइंट बढ़ाकर छः पॉइंट कर देता हूँ, इसको यहाँ तक ये होगा यहाँ तक। ठीक, तो इसके बाद है ये हमारा एड्रेस, हमने यहाँ पर एड्रेस करना है, एड्रेस को कंट्रोल शिफ्ट पे जाओ यहाँ पर, तो इसको मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, और इसके ये वाला कोने जो है ये दो कोने ये गोल करूँगा। अब ऊपर आना है यहाँ पर, ऊपर भी 100 और नीचे भी 100 लिख लेना है, ठीक है, और ये दोनों कोना गोल हो गए। तो इसको मैं ये वाला, और इसके बाद ये टूल लूँगा, तो इसको यहाँ पर ब्लैक करके यहाँ पर स्यान कर दे दो, और इसको आउटलाइन दे दूँगा आउटलाइन तो तीन पॉइंट के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर क्लिक कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, पॉइंट और बढ़ा देता हूँ मैं, तो इसको आप मैं ऊपर सेलेक्ट करना है, उसको कंट्रोल से पिज आप करना, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी लफ्ज़ अगर बैक रूट के पीछे चला जाए तो उस लफ्ज़ को सिलेक्ट करके कंट्रोल से पिज आप करेंगे तो ये अल्फाज ऊपर आ जाएंगे बैक रूट के ऊपर। ये होगा यहाँ तक पैनल। अब हम लगाने हैं इसके मोनोग्राम कपड़े, मेरे पास ऑलरेडी हैं पड़े, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कलात वगैरह हो या कुछ भी चीज़ आपने कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी हो तो आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर बड़ा इसकी और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यह हो गया है ना। इसके बाद ये इसको मैं शेडो दूँगा, क्योंकि रेड कलर का इसका जो है ये कलात है, तो इसको शेडो टूल लूँगा, क्लिक करूँगा यहाँ पे, इसको ऊपर करूँगा, इसको 100% और यहाँ पे 10%, और इसको यहाँ पे यहाँ तक, और इसको वाइट कलर की शेडो दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी कर लेना आपने इसको, फिर यहाँ पे ले आ जाएगा यहाँ तक। तो इनको भी मैं शेड दे देता हूँ, बेहतर रहेगी। यहाँ पर ऊपर 100, यहाँ पे करना है अपने 5, यहाँ पे आना फिर और सेट, और यहाँ पे सेट, और यहाँ पे तो ये हमारा पैनाफ्लेक्स जो है 8x4 का ये तैयार हो चुका है। तो आपने इसको कर लेना है कंट्रोल एस के साथ सेव, ठीक है, कंट्रोल एस दबाना है, किसी भी पार्टीशन में आप इसमें सेव कर लेना है। तो मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप कर लेता हूँ, और यहाँ पे अपने फाइल नेम भी लिख लेना है, यहाँ पे खान जी, इसके बाद आपने सेव कर लेना है। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और पूरा वॉच किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।